अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम। आज हम करकरा मच्छी की थाली बना रहे। ये देखो हमने करकरा मच्छी लिए एकदम फर्स्ट क्लास। देखो देखिए कितने अच्छे अच्छे पीस है, एकदम बड़े बड़े पीस है। देखो ये हम फ्राई भी करेंगे और सालन भी बनाएंगे। हाँ ये इसका सालन का मसाला है। देखो एक टेबल स्पून हमने धनिया लिए है, आधा टेबल स्पून हमने जीरा लिए, एक चुटकी मेथी दाना लिए और ये लहसुन है एक बड़ी गट्टी लहसुन है, दो मिर्ची लिए हैं इसके साथ। और देखो ये मिर्ची पाउडर लिए है ना, दो टेबल स्पून है। एक टेबल स्पून हमने इसमें मसाला लगाने के लिए मतलब फ्राई करने में, एक टेबल स्पून सालन में डालने के लिए। सालन में डालने के लिए कोकम लिए, आप इमली भी ले सकते। नारियल के दूध में बना रहे, हमने नारियल का दूध एक गिलास बना के रखे, मतलब एक नारियल का दूध पूरा रखे इधर बना के। अभी ये टमाटर रहेगा इसमें पीसने के लिए, और ये लींबू और थोड़ी हल्दी इसमें जाएगी मच्छी को मसाला लगाने में फ्राई करने के लिए, और लींबू जाएगा। तड़का देने के लिए थोड़ा लहसुन रहेगा, थोड़ा मेथी दाना रहेगा, करी पत्ता रहेगा और एक टीस्पून हमने जीरा लिए तड़का देने के लिए। हाँ उसके साथ हम ये घेवरी की भाजी बनाएंगे। ये देखो कोकनी तरीके से बता रहे हैं। हाँ ये देखो घेवरी की भाजी है, घेवरी ऐसी ही तोड़ा जाता है। हमने पहले घेवरा बनाए हैं, घेवरा भी बोलते हैं घेवरी भी बोलते हैं, इसको मसाला में बनाए वो भी टेस्टी लगती है, वो भी कोकनी है। और अभी हम ये तेल कांदे में बना रहे हैं। देखो ये मिर्ची लिए स्वाद अनुसार, दो तीन प्याज लिए हैं चॉप करके, और ये डालेंगे इसके अंदर, ये हल्दी डालेंगे और नमक सब में स्वाद अनुसार डालेंगे, कोथमीर डालेंगे, सालन बनाएंगे उसमें। अभी हम बनाने का तरीका बता रहे हैं। फ्राई मच्छी को मसाला लगाएंगे, कोकनी लोग ऐसा ही बनाते। देखो अभी मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नींबू का रस, स्वाद अनुसार नमक और मच्छी। ये देखो मच्छी फ्राई को मसाला लगाएंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, हल्दी मिर्ची नींबू और नमक, इसमें अभी मच्छी को हम मसाला लगा देंगे। सब ऐसा मच्छी को हम मसाला लगा के फ्राई करने के लिए एक तरफ मैरिनेट करके रखेंगे और सालन बनाने लेंगे। फ्राई मच्छी के लिए मसाला लगा के अभी साइड में रखेंगे। अभी खिचड़ी बना रहे हैं, अभी घी डाल दिए, देसी घी हम डाल रहे हैं, आप कोई भी घी ले सकते हैं, देसी घी में अच्छा टेस्ट आता है। अभी देखो हमने मेथी और चावल को एक साथ धोए और अभी इसी घी के अंदर अच्छे से भुनेंगे चावल को और मेथी को, मेथी दाना को। अभी खिचड़ी के अंदर एक पानी डालेंगे। हाँ अभी 300 ग्राम चावल में हमने दो गिलास पानी डाल दिए, इसका पानी सूखने तक पकाने का है। खिचड़ी का पानी सूख गया, अभी इसको स्लो गैस पे 5 मिनट पकाएंगे, 90 रखेंगे। देखो अभी खिचड़ी का अभी ढक्कन खोल दिए, खिचड़ी हुई क्या देखते हैं। खिचड़ी भी तैयार है एकदम फर्स्ट क्लास। देखो हमने तेल डाल दिए, अभी ये प्याज और हरी मिर्ची डालेंगे और प्याज को नरम करेंगे, कलर बद्दी नहीं करेंगे, नरम करेंगे। अभी घेवरे की भाजी बना ली, स्वाद अनुसार नमक डाल दिए, प्याज नरम हो गया कि हल्दी डालेंगे। ये भाजी मसाला में भी बनती है और तिलकुट में भी बनती है, तो तरकारी बोलते हैं। हाँ हमने मसाले में घेवरा बताए हैं, तिलकुट भी बताए थे याद में हमको, अब ऐसा भी बनाते कोकनी तेल का। ये देखो अभी प्याज नरम हो गया, अभी हल्दी डाल दी इसके अंदर,
हल्दी को अच्छे से मिक्स करेंगे और घेवरा डालेंगे। घेवरे को हमने साफ करके धो धा के रखेंगे। और अच्छे से ये कांदे में मिक्स करके ढक्कन रख के साइड में रखेंगे बारीक गैस पे। बारीक गैस पे 10 मिनट तक अच्छे से पकेगा एकदम पकता, पानी नहीं डालने का इसमें, तो अच्छा टेस्टी लगता है। अभी ढक्कन रख के इसको साइड में बारीक गैस पे रखेंगे दूसरे गैस पे, और हम सालन बनाने देंगे 15 मिनट रखने का इसको स्लो गैस पे ढककर। मच्छी फ्राई करेंगे। हाँ, तेल डाल दिए पहले हमने मच्छी फ्राई, इसके लिए पहले करने का तो मच्छी फ्राई करने का वो तेल बचेगा उसमें सालन बनाने का। ये देखो क्योंकि वो तेल फेंकने का नहीं, कितने लोग तेल फेंकते थे, लेकिन नहीं, हम मच्छी फ्राई करेंगे और वो तेल में हम सालन बनाते हैं। तेल भी बहुत महंगा हो गया है, फेंकने का क्यों, ऐसा बनाने का। देखो अभी मच्छी एक तरफ से हुई, अभी पलटेंगे दूसरी तरफ से फेंकेंगे, और जब तक ये मच्छी फ्राई हो रही है जब तक हम मच्छी का मसाला पीसेंगे। अभी हम मसाला पीसेंगे मच्छी के सालन का। आप पूरी अच्छी मिर्ची ले सकते हैं, हमने मिर्ची पाउडर भी लिए और मिर्ची भी लिए। आपको पीसेंगे नारियल के दूध में मच्छी का सालन बना रहे। हल्दी डालें, आधा टीस्पून हल्दी डालें, थोड़ा सा इसमें पानी डालें और पानी डालेंगे और इसका फाइन पेस्ट बना के लेंगे। मच्छी फ्राई हो गई, अभी इसको निकालेंगे। देखो मच्छी फ्राई किए ना, वही तेल ले लिए, अब उसके अंदर ये लहसुन मेथी दाना और करी पत्ता डालेंगे। अच्छे से इसको भुनेंगे। मसाला पीस के लाए ना मच्छी का सालन का, वो मसाला डालेंगे। इसको हल्दोनी भी बोलते हैं और सालन भी बोलते हैं। अभी देखो ये सालन का मसाला है ना, मच्छी का सालन का, इसके अंदर अच्छे से भुनेंगे इसको। और इसमें नारियल का दूध का हमने बनाए मेथी, नारियल के दूध की मच्छी की थाली बना रहे और मेथी की खिचड़ी बना रहे। आपको चाहिए तो मूंग के दाल की खिचड़ी बना सकते, हम मेथी की बना रहे। मसाला अच्छे से भून के हो गया, थोड़ा सा पानी डाले, अभी उबल आ गया ना कि नारियल का दूध डालेंगे। नारियल के दूध में मच्छी बना के खाओ कितना अच्छा लगेगा देखो। अभी नारियल का दूध डालेंगे। हाँ, एक नारियल का दूध निकाले हमने। अभी ये देखो नारियल का दूध डाले, अभी उसको उबल आने के बाद मच्छी डालेंगे। देखो सालन को अच्छे से उबाल आ गया, कोपरे का दूध अच्छे से पक गया। अभी हम ये डाले कोकम डाले, आप इमली भी डाल सकते। अभी ये मच्छी डाल दे, हमको करकरा मच्छी आज बड़ी बड़ी मिली तो हम लेके आए, चलो थाली दिखाते हम, इसलिए हम नारियल के दूध में थाली बता रहे। देखो अभी ये मच्छी का सालन बन गया अच्छे से। हाँ देखो हमने कोथमीर डाल दिए, अभी घेवरा देख रहे, घेवरी घेवरा दोनों बोलते। ये देखो घेवरा पक गया अच्छे से। देखो 15 मिनट हम बारीक गैस पे रखे, एकदम फर्स्ट क्लास पक गया। ऐसा पानी वानी डालने का नहीं भाजी में, तरकारी में पानी डालते ना तो तरकारी का स्वाद चला जाता, इसलिए ऐसा पकाने का बारीक गैस पे सबर करके। सबर करेंगे तो मीठा फल मिलता है आस्ते आस्ते। अभी हम डिश आउट करके बता रहे। देखो हमने करकरा मच्छी लाए, करकरा मच्छी अच्छी मिली बाजार में तो हमने लाए, बोले चलो थाली दिखाने की। करकरा मच्छी का सालन है ये हमने नारियल के दूध में सालन बनाई।
ये मच्छी फ्राई किए और ये तेल कांदे में घेवरा बनाए, घेवरी बोलते घेवरा बोलते। और ये देखो मेथी दाना की खिचड़ी बनाई, इसकी जगह आप मूंग की दाल भी लेके खिचड़ी बना सकते हैं, हम मेथी दाना की बनाए। हाँ, लाइक करो, ऐसा तुम भी बनाओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल बजाओ। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताओ प्लीज। अल्लाह हाफिज।